अल्लाकम everyone. I आई होप कि आप सब ठीक होंगे खैरियत से होंगे आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो है पॉलिटिकल साइंस पेपर वन एंड टू ऑफ ईयर 2004। ठीक है हम लोग अपनी वीडियो का स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द एंड ऑफ स्टेट इज़ एथिकल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अल फराबी बाय बर्थ वॉज अल अलमोवर्दी वॉज अ ज्यूरिस्ट हु फॉलोड द फिक ऑफ तो किन की फिक जो है वो ही फॉलोड ही फॉलोड द फिक ऑफ इमाम शाफी सही है जीन जैकविस रोशो वॉज बोर्न एट जेनेवा स्विट्ज़रलैंड एंड ही डाइड इन फ्रांस ज़्यादातर उनकी ज़िंदगी का हिस्सा जो है वो फ्रांस में गुजरा है 1712 में वो पैदा हुए थे और 1778 में ही डाइड इन फ्रांस और रोशो ने जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट की थी अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक, द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गर्वमेंट इज़ डमोक्रेसी और आपको पता है कि जॉन लोक जो हैं इन्होंने सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स के बारे में बात की है लाइफ की लिबर्टी की प्रॉपर्टी की तो ही इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिलासफ़र जिनका नाम जो है वो डेमोक्रेसी से लिबरल वैल्यूज से अटैच किया जाता है द टर्म एनार्किज़म हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एन which विच इज़ बेसिकली Latin word, ठीक है और एन आरिज़म की फ़िलासफ़ी में तीन चीज़ें हमने याद रखी हैं रखनी है कि एन की जो है ये गवर्नमेंट को इबॉलिश करने की बात करती है रिलीजन को इबॉलिश करने की बात करती है प्रॉपर्टी को इबॉलिश करने की बात करती है तो ये दो चार चीज़ें जो है ये हमने याद रखनी है एन आर की इज़ बेसिकली द एक्सट्रीम लेफ़्ट विंग ऑफ द सोशलिज़म एंड इट वॉज़ फर्स्ट एक्सपाउंड एज़ ए पोलिटिकल विलियम गोडविन ठीक है इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन 1789 एटी नाइन वॉज रिटर्न बाई तो ये किसकी किताब है जर्मी बैंथम की किताब है और जर्मी बैंथम जो है ही इज द फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट ठीक है अच्छा एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम लोगों ने किताबें हर फ़िलासफ़र की पाँच से छः किताबों के नाम जो है वो ज़रूर याद रखने हैं क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आप लोग 2004 का जो पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं इसी को देख लें तो तकरीबन चार से पाँच किताबों के नाम यहाँ पर पूछे जा चुके हैं ठीक है तो फ़िलासफ़र्स पर मेरी एक अलग से वीडियो है मुस्लिम फ़िलासफ़र्स पर अलग से और जो वेस्टर्न फिलासफर्स हैं उन पर एक अलग से वीडियो है जिनमें मैंने हर राइटर की छः से सात किताबों के नाम बताए हैं और कुछ राइटर्स की दस किताबों के नाम बताए हैं और ये तमाम तर सवाल जो है वो सी एस एस के पास पेपर्स में पूछे जा चुके हैं ठीक है थीके? इसलिए इनको याद रखना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी इक्तसाद फिल अत दिस बुक वाज रिटन बाय ग़ज़ाली अब एक और किताब है इल्मुल इक्तसाद के नाम से जो कि इामा इकबाल की है ठीक है तो इकतसाद इत्तकाद और इल्मुल इक्तसाद इसमें हमने कंफ्यूज नहीं होना सियासत नामा वॉज़ रिटन बाय मुल्क। तो सियासतनामा सफ़रनामा और एक और इम्पॉर्टेंट किताब है वो अभी मेरे माइंड से स्किप हो गई ये तीन किताबें जो है वो निजामुल मुल्क की बड़ी फेमस किताबें हैं इनको हमने याद रखना है इल्मुल इक्तसाद वाज रिटन बाय इकबाल ठीक है रिकन्सट्रक्शन ऑफ द रिलीजियस थॉट इन इस्लाम वाज रिटन बाय अगेन इलामा इकबाल अ डिस्कोर्स ऑन द रिलीजन ऑफ इन इक्वालिटी एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट वॉज प्रजेंटेड बाई रोशो अब सोशल कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट तीन हैं होब्स लोक और रोशो लेकिन जो किताब है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से वो रोशो की है अकॉर्डिंग टू इलाय अकबाल इन विच फॉर्म ऑफ द गवर्मेंट दड्स आर काउंटिड तो डिमोक्रेसी है वो गवर्मेंट जिसके मुताबिक जो है वो इलामा इकबाल के मुताबिक ये किताब सॉरी ये जो फॉर्म ऑफ द गर्वमेंट है इन विच दड्स आर काउंटेड द टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ प्लेटो केम इन दयर थ्री नाइन्टी नाइन वन ही वॉज 28 इयर्स ओल्ड अब 399 में क्या हुआ था इनके टीचर जो सॉक्रेटिज हैं उनको डेथ पेनल्टी दी गई थी इसलिए दिस इज़ कंसीडर्ड एट एज अ टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ प्लेटो द ग्रेट पॉलिटिकल साइंटिस्ट फिलोसोफर एरिस्टोटल डाइड इन द ईयर 322 बिफोर क्राइस्ट ठीक है और ये पैदा कब हुए थे 384 बिफोर क्राइस्ट प्लेटो वेन टू सा टू टीच फिलोसफी टू द टायरेंट काइंड ऑफ डायनोस बट रिटर्न डिसअपॉइंटेड एंड ओपन द एकेडमी हीरो टिटाइज इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग अप टू द नंबर यहाँ पर ऑप्शन जो है वो नन ऑफ दीज है लेकिन आई थिंक ये थर्टी एट या फोर्टी जो है वो डायलॉग्स इन्होंने लिखे हैं लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट तो अगर आप में से किसी को पता है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा the great but ungrateful, pup uh, ungrateful pupil of his master who was born in 384 before christ was aristotle. Hai? next question, hai the fascism of plato got birth in 4th century, whereas the modern fascism is the product of early 20th century. मौसूनी की बात हो रही है यहाँ पे जो मॉडर्न फारशिज़म है मौसूनी की बात हो रही है नेक्स्ट क्वेश्चन है जी एन एस कंसर्निंग द ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग वाज पब्लिश्ड इन 1690 द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ अब ये किसकी किताब है ये है जी जॉन लॉक की बुक है और यहाँ पर उनका नाम मेंशन नहीं है इसलिए द राइट आंसर इज़ नन ऑफ दिस अब हम डिस्कस कर लेते हैं जी पेपर टू ऑफ ईयर टू थाउजेंड फोर ठीक है हो रोट द बुक पाकिस्तान द हार्ट ऑफ एशिया तो ये किताब है लियाकत अली ख़ान की हो रोड द बुक जना ऑफ पाकिस्तान तो ये है बुक स्टेनले वॉलपोर्ट की और इसके अलावा इन्होंने जिना ऑफ़ पाकिस्तान के अलावा जुल्फ़ी ऑफ़ पाकिस्तान के नाम से भी एक किताब लिखी है उसके बारे में भी पाँच पेपर्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है हो रोट द बुक बुश एट वॉर तो ये लिखी है बॉब वुडवर्ड ने हु रोड द बुक द इंडिया सॉरी दी एंड ऑफ इंडिया ठीक है तो ये किताब है कुशवानत सिंह की हु रोड द बुक लास्ट डेज ऑफ ब्रिटिश राजंडिया और यह किताब है मोस्टली लियोनॉर्ड की हु रोड द बुक मुस्लिम सेपरेटिज़म इन इंडिया सो द करेक्ट आंसर इज़ अब्दुल हामिद राइट डाउन द टाइटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान तो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका टाइटल है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान अगला सवाल है जी हाउ मेनी आर द आर्टिकल्स इन दीअमेंडिड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नाइनटीन सेवेंटी थ्री तो टोटल आर्टिकल्स जो हैं वो हैं टू एटी पहले जो आर्टिकल सॉरी इससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1956 का उसमें 234 आर्टिकल्स थे और 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में 250 आर्टिकल्स थे 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें 280 आर्टिकल्स हैं हाउ मेनी आर्टिकल्स वर चेंज इन एट्थ अमेंडमेंट तो तकरीबन 103 आर्टिकल्स जो है उनको चेंज किया गया था एटीनथ uh, अमेंडमेंट के अंडर सॉरी यहाँ पर एट्थ अमेंडमेंट की बात हो रही है तो इसका जो है वो करेक्टली मुझे अंदाज़ा नहीं है एटीनथ अमेंडमेंट में तकरीबन 130, uh, 103 आर्टिकल्स को जो है वो अमेंड किया गया था वर नंबर ऑफ पंजाब बाउंड्री कमीशन इन द रेड क्लिफ़ कमीशन ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान मेम्बर्स कौन थे पंजाब बाउंड्री कमीशन में पाकिस्तान की तरफ से तो ये थे जी जस्टिस दीन मोहम्मद एंड जस्टिस मोहम्मद मुनीर ठीक है और जो नॉन मुस्लिम थे यहाँ से वो थे तेजा सिंह ठीक है डीजीपी जी स्टैंड्स फ़ॉर डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशंस आई पी आई स्टैंड फ़ॉर इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट आई आर एस ए स्टैंड इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी एक्स कॉम स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड कम्युनिकेशन सर्च एल एफ ओ स्टैंड फॉर लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर ठीक है नेम द प्रेजिडेंट ड्यूरिंग होस्ट एंड योर अमेरिकन वर् कैप्ड हॉस्टेज इन ईरान तो उस वक्त जिमी कार्टर जो हैं ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेजिडेंट थे डाउनिंग स्ट्रीट इज नोन फॉर तो ये है जी रेजिडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ़ यू के डिफरेंट जो रेजिडेंस हैं उसके ऊपर भी हम लोग एक वीडियो बनाएंगे और इन शाह उसमें डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ जो नाम हैं पार्लियामेंट्स के नाम हैं या प्रेजिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स की जो रेजिडेंस है उसके हवाले से हम लोग एक वीडियो में ये ज़रूर कवर करेंगे क्योंकि पास्ट पेपर्स में बार बार इन पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं द स्टेचू ऑफ़ लिबर्टी वॉज गिवन टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बाई फ्रांस और स्टेचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है इंडिया में है ठीक है कमाल अता तुर्क वॉज प्रेजिडेंट ऑफ टर्की ठीक है अगला सवाल और आखिरी सवाल जो है वो 2004 के पेपर का दैट इज़ डिमार्केटिंग द कॉन्स्टिट्यूंसिस फॉर द इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस इज़ नोन एज जेरीमेंडरिंग दिस इज बेसिकली द मैनिपुलेशन ऑफ द वोटिंग डिस्ट्रिक्ट्स जिसमें हम लोग इस तरह से एरियाज को डिवाइड कर देते हैं कि एक ही पार्टी की फेवर में जो है वो समाइम्स एरियाज जो है वो चले जाते हैं ठीक है और ये पेपर जो है वो टू थाउजेंड फिफ्टीन में ये पेपर जो है वो टू थाउजेंड फ़िफ्टीन के लेक्चरर के एग्ज़ाम में भी आ चुका है तो अभी मुझे कॉल आ रही है वीडियो का भी इख्ताम हो गया है मिलते हैं अगली वीडियो में टिल देन टेक केयर अल्लाह हाफिज़